तो फ्रेंड्स ब्राउन ब्रेकर तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसी की जो हालत की है आज के मैंने नाइट्रो के अंदर कतई तबाही मचा दी है ब्राउन ब्रेकर ने। ब्राउन ब्रेकर को देखकर भाई रेफरी की भी सिटी पिटी गुल हो जा रही है। अगर ब्राउन ब्रेकर टाइम पर भाई अपने माइंड का यूज ना करते तो यहाँ पर रेफरी की भी हालत खराब होने वाली थी स्पेयर लगकर। तो फ्रेंड्स ब्राउन ब्रेकर ने रिकिशी का तो पत्ता कट कर लिया है, मगर अब क्या है समंथा अरविंद भी हमें देखने को नहीं मिलने वाली WWE के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं समंथा अरविंद जाते हुए देखने मिल रही है एम्बुलेंस के अंदर रिकिशी के साथ। और फ्रेंड्स बैक स्टेज जो हालत टाइट की है किसी की ब्राउन ब्रेकर ने। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करने वाले आज के मैंने नाइट रॉ के बारे में क्या कुछ हमें वहां पर देखने मिला। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हो कि WWE ने पहले से ही मैच अनाउंस कर रखा हुआ था ब्राउन ब्रेकर वर्सेस इलिया ड्रैगनोव के बीच, और बहुत ही ज्यादा ब्रूटल बैंगर मैच होता है। मगर आपको पता है कि ब्राउन ब्रेकर भाई कतई तबाही मचाते हुए देखने मिल रहे हैं WWE के अंदर। तो वही चीज हमें आज के मैंने नाइट रॉ के इस मैच के अंदर भी देखने मिलता है, इलिया ड्रैगनोव को बहुत ही ज्यादा जाते हुए देखने को मिलते हैं ब्राउन ब्रेकर। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं था कि इलिया ड्रैगनोव भाई फाइट बैक हमें करते हुए नहीं देखने को मिल रहा था इस मैच के अंदर, बहुत ही ज्यादा भाई इलिया ड्रैगनोव ने भी बचाया ब्राउन ब्रेकर को, सुप्लेक्स के ऊपर सुप्लेक्स हमें देखने को मिल रहा था इलिया ड्रैगनोव की तरफ से। मगर भाई आपको पता है कि ब्राउन ब्रेकर का इस समय स्टॉक काफी ज्यादा हाई चल रहा है, तो इसी वजह से भाई ब्राउन ब्रेकर स्पेयर मारते हैं इलिया ड्रैगनोव को और इस मैच को जीत जाते हैं। मगर भाई ब्राउन ब्रेकर का स्पेयर देखकर रेफरी की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और रेफरी एक मिनट को सोचने लगते हैं ब्राउन ब्रेकर अगर माइंड भाई यूज ना करते तो ब्राउन ब्रेकर का स्पेयर लगने वाला था रेफरी को। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राउन ब्रेकर रोप्स के जरिए इधर उधर जाते हैं फिर स्पेयर हिट करते हैं, तो इसी चीज को देखकर कंफ्यूज हो गए थे रेफरी। मगर ब्राउन ब्रेकर ने टाइम पर अपना माइंड यूज करके बचा लिया रेफरी को और इस तरीके से हमें इस मैच का एंड देखने को मिलता है। इस मैच के एंड होने के बाद भी भाई ब्राउन ब्रेकर नहीं रुकते और इलिया ड्रैगनोव के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर वहीं पर हमें देखने को मिलता है भाई रिकिशी जो कि ब्राउन ब्रेकर को मारकर वहां से भगा देते हैं। अगर बैक स्टेज हमें देखने को मिलती है ब्राउन ब्रेकर और रिकिशी के बीच, तो क्या होता है कि हमें रिकिशी और इलिया ड्रैगनोव देखने मिलते हैं और अचानक से हमें स्पेयर हिट होते हुए दिखाई देता है ब्राउन ब्रेकर की तरफ से इलिया ड्रैगनोव के ऊपर, और इस चीज को देखकर रिकिशी फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं ब्राउन ब्रेकर के साथ। मगर ब्राउन ब्रेकर भाई ऐसी धुलाई करते हैं रिकिशी की, कभी ब्राउन ब्रेकर हमें मारते हुए देखने मिलते हैं रिकिशी को प्रोडक्शन ट्रक के ऊपर, और फिर लास्ट में हमें देखने मिलता है ब्राउन ब्रेकर भाई पार्किंग लॉट में कार के वेंट ग्लास के ऊपर हमें पावर स्लैम मारते हुए देखने को मिलता है रिकिशी को, और इस तरीके से रिकिशी की हालत टाइट हो जाती है और रिकिशी अपने बुकिंग की वजह से शायद अब हमें कभी भी देखने को नहीं मिलने वाले। और एम्बुलेंस में हमें ले जाते हुए देखने को मिलते हैं रिकिशी को, और वहां पर हमें समंथा अरविंद भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल देखने को मिलती है क्योंकि रिकिशी का आज मंडे नाइट रो के अंदर लास्ट दिन था। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ हमें देखने मिला आज के मंडे नाइट रो के अंदर। ब्राउन ब्रेकर की तो बुकिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही है, मगर रिकिशी के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो फ्रेंड्स क्या आपने एंजॉय किया आज का मंडे नाइट रो, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी न्यूज अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग रेसलिंग स्टार्स न्यूज़।